सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंचे भीम आदमी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन से पीड़िता के परिजनों को सुरक्षा दिलाने की मांग की है। जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के ग्राम सिरसा खास में विगत दिनों हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ गुरुवार को पहले पीड़िता के घर पहुंचे, उसके बाद सभी लोग एकत्रित होकर सिरसागंज थाने पर पहुंचे। ज्ञात हो कि ग्राम सिरसा खास में शौच के लिए गई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़ितों के पिता को तहरीर पर 4 नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को कुछ दिन पूर्व गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं गुरुवार को पुलिस ने शेष बचे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह ने बताया, हमने विगत 13 तारीख को सिरसा खास में आकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की तो हमें पता लगा कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक शेष बचे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। जब हम आज फिर पीड़ित परिवार से मिलने व सिरसागंज थाने पर आ रहे थे तो पता चला कि मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। इस दौरान लवनेश कुमार बुद्ध जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद आजाद समाज पार्टी, काशीराम नरेंद्र पाल सिंह जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद भीम आर्मी, भारत एकता मिशन अनिल चौधरी, जेपी रावत, राहुल भास्कर, सुनील कुमार विधानसभा अध्यक्ष शिकुआबाद, रविन्द्र कुमार निगम वाल्मीकि, रंजीत कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। आप यहाँ सिरसा घाट में पीड़ित परिवार से मिलने आए, किस लिए आना पड़ा है द्वारा? देखो, मैं जब 13 तारीख को यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने आया, अपनी बहन से भी मैं मिला, तो मेरे को उस समय शासन प्रशासन की कुछ हीला हवाली दिखाई दी तो उन्होंने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया। जो चौथा मुख्य आरोपी है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। जब 3 दिन होने के बावजूद जब मैंने पता किया कि चौथा आरोपी नहीं पकड़ा गया, तो कल मेरे को भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष श्री सिकंदर बौद्ध जी ने ट्वीट करके शासन प्रशासन को हिलाने का काम किया। उन्होंने मेरे को आदेश दिया कि आप सिरसा खास में जाएं और थाने का घेराव करें, जब भी ये मनवादी मानसिकता के लोग हैं, जब ये चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर पाएंगे। तो जिस समय हम फिरोजाबाद से निकले थे आज, तो हमें रास्ते में ही बता दिया गया कि आपका चौथा आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, आप वापस हो जाएं। मगर नहीं, ये भीम आर्मी वापस होने वाली नहीं है। आज भीम आर्मी पीड़ित परिवार के दरवाजे तक आई है। आज आप इनके चारों अपराधी जेल तो जा चुके हैं, मगर अपराधियों के परिवार के लोग तो यहीं रहते हैं। यहाँ रहने के साथ साथ मेरी आज फिर से आप सिरसा खास में, क्या मकसद रहा आपका? हम 13 तारीख को मैं और भीम आर्मी जिलाध्यक्ष माननीय नरेंद्र पाल सिंह लल्लू जी पीड़ित परिवार के पास आए थे। पीड़ित परिवार ने हमको बताया था कि आज दिन हमको धमकियां मिल रही हैं। प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते मैंने तब भी कहा था कि प्रशासन यहाँ पर सुरक्षा मुहैया करवाए, 2 कांस्टेबल या 4-6 कांस्टेबल यहाँ पर बैठा ले। अगर परिवार के साथ में या बहन के साथ में कोई बात होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर प्रशासन ने अभी भी कोई भी यहाँ सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, हमारी बहन है, हम उनके बेटे हैं, माता पिता है वो हमारे। अगर प्रशासन के पास कांस्टेबल नहीं है, अगर उनको सुरक्षा की वो नहीं है, तो वो हमसे कह दे भीम आर्मी का एक एक सिपाही निस्वार्थ भाव से इस पीड़ित परिवार के पास रहेगा। और इसी पीड़ित परिवार के पास नहीं, पूरे भारत देश में जहां बहन के साथ में या बहुजन समाज में अगर कोई ऐसा उत्पीड़न होता है, अगर उनके पास प्रशासन पूरा नहीं है, पर्याप्त नहीं, तो आप हमसे मांग कर सकते हैं। भीम आर्मी का एक एक सिपाही प्रशासन के साथ में तन मन धन के साथ निस्वार्थ भाव से लगा रहेगा। और जो